हमीरपुर की एनआईटी संस्थान किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताजा मामले में एनआईटी हमीरपुर की अव्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ कार्यालय और मानव संसाधन मंत्रालय को अज्ञात मेल आईडी से लगातार शिकायतें भेजी जा रही थी, जिनको लेकर एनआईटी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईमेल के माध्यम से जिन अव्यवस्थाओं को लेकर पत्राचार किया जा रहा था उनका एनआईटी हमीरपुर पहले ही निपटारा कर चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि बीओजी की बैठक में भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे एनआईटी हमीरपुर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। एनआईटी हमीरपुर में बीओजी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एनआईटी हमीरपुर के विकासात्मक कार्यो को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा बीओजी की बैठक में बर्खास्त पूर्व निदेशक के समय भर्तियों को लेकर चल रही छानबीन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। वहीं एनआईटी हमीरपुर की अव्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ कार्यालय और मानव संसाधन मंत्रालय को भेजी गई ऑनलाइन मेल शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता बीओजी के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की। क्या एक्शन हुआ सर इस मुद्दे पे? एनोनिमस कंप्लेंट जो है वो एक्चुअली एनआईटी हमीरपुर का बेसिक करेक्टर बन गया। तो एक साल से, अब ऑलमोस्ट एक साल हुआ है मुझे यहाँ चार्ज लिए हुए। तो उससे पहले जैसे आपको पता ही है कितनी अनियमितताएं यहाँ हुई हैं, वो उसके ऊपर जो एक्शन हुआ है तो उसके बाद ये कंटिन्यूस कंप्लेंट्स पीएमओ ऑनरेबल मिनिस्टर सभी जगह भेज रहे हैं। अगर आप कंप्लेंट की डेट देखेंगे तो 1 जून की है कि ऐसा हुआ, कोई फैकल्टी है उसको डीन पोजीशन दी है, उनके रिलेशन में कोई है उनको फॉरेन में स्कॉलरशिप दी है, इस तरह की कंप्लेंट्स की गई हैं। जबकि फैक्ट ये है कि 18 मई को उस कैंडिडेट की स्कॉलरशिप को वापस डिपॉजिट करने का इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर निकाल दिया था। साथ ही 29 मई में जो डीनशिप थी वो भी चेंज हो गई थी और ये कंप्लेंट 1 जून को की जाती है। तो इस तरह की और भी कई तरह की कंप्लेंट्स जिनमें कोई भी फैक्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, मैंने जो ज्वाइन किया तो पोजीशन ऐसी है संस्थान की कि जितने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आउटपुट हुए, बोर्ड में गए, उनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो अब मुझे करना पड़ रहा है। तो जब मैं वो एक्शन करता हूँ तो ये बिना नाम के, बिना एड्रेस के कंप्लेंट्स और इस तरह की ईमेल्स कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बिकॉज फैक्ट कुछ और है और कंप्लेंट्स में कुछ और लिखा गया। प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि बैठक में पूर्व निदेशक के समय में हुई भर्ती में अनियमितताओं की कई जांच पर विचार विमर्श किया गया और अगली बैठक में इस पर निर्णय लेना तय किया गया। अभी जो रिक्रूटमेंट्स प्रोफेसर यादव के टाइम पे हुई हैं उनमें से एक पॉइंट आज डिस्कशन में था, जिसमें बोर्ड में ये डिसीजन हुआ है कि इसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिर नेक्स्ट बोर्ड में उसको पुट अप किया जाए। वही कार्यकारी निदेशक ने बताया कि बीओजी की बैठक में छात्रों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को ना लेने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते छात्र एनआईटी में नहीं रह रहे हैं, इसलिए संस्थान में होने वाली एक्टिविटी शुल्क को नहीं लिया जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। बेनिफिट मिलेंगे और कितनों को बेनिफिट मिलेंगे? ये मैपिंग जो है वो 2017 का गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है और संस्थान में भी उस टाइम एक्शन हुआ थोड़ा, और 2018 में ये मैपिंग करके और इनको जितनी फैकल्टी एलिजिबल थी उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की मैपिंग होनी थी। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर थे उनकी मैपिंग होनी थी 9000 से 9500 पे, और जो हमारे प्रोफेसर थे उनकी होनी थी 10000 से 10500। तो इस मैपिंग में जब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सील की तो उसमें 49 लोगों की रिकमेंडेशन एक एनुअल पे थी और 6 लोगों के दूसरे। तो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो 6 लोग जो थे वो कोर्ट केस में, उनका सुप्रीम कोर्ट के में जो है वो केस विचाराधीन है। तो हमने इसको पॉइंट को काफ़ी दिनों से परस्यू किया, फिर सर्कुलेशन एजेंडा में ये डिसीजन हुआ कि 49 लोगों की मैपिंग खोल दी जाए, तो उसको हमने
खोला और उससे 45 जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनको फायदा हुआ। चार लोगों का कोर्ट केस की वजह से, दो लोगों का और दो लोगों की वजह का क्योंकि वहाँ सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड थी तो सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई थी, इस वजह से वो चार लोगों का रुक गया। फिर बोर्ड से ही परमिशन लेकर के उन दो लोगों की सिलेक्शन कमेटी की गई और दो लोगों का जो कोर्ट वाले थे उनका केस भी लिया गया। तो आज की बोर्ड मीटिंग में उन चार लोगों की भी मैपिंग क्लियर हो गई है और जो छः फैकल्टी मेंबर हमारे रह गए हैं उनकी मैपिंग का केस भी बोर्ड में गया था, लेकिन बोर्ड ने अभी बोला है कि अभी इसको आप पेंडिंग रखें, जैसे ही नेक्स्ट बोर्ड में या उससे नेक्स्ट बोर्ड में जब भी लाएंगे तो फिर उसको डिसीजन दिया जाए। ललित अवस्थी ने बताया कि प्राध्यापकों की 2017 से लंबित पे ग्रेडों को संशोधित करने का बैठक में निर्णय लिया गया है, जिससे एनआईटी के 49 प्राध्यापकों को लाभ पहुंचेगा, जबकि 6 प्राध्यापकों के कोर्ट में मामला होने के चलते इनके बारे में विचार किया जाएगा। जो छात्र कोविड में यहाँ नहीं रहते थे तो उसमें कुछ ट्यूशन फीस के अलावा कुछ फी के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपने कोई टेक्निकल फेस्टिवल करना है या स्पोर्ट्स का है, तो क्योंकि बच्चे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अब पैंडेमिक की वजह से, तो इसलिए हम वो कैलकुलेट करते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको फिर रिड्यूस करते आए हैं। तो ये पावर बोर्ड की है, इस बार हम प्रपोजल ले गए थे, उसमें भी जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे उनकी करीब 4300 के आसपास फीस कम हुई है और जो हमारे नए बच्चे हैं उनकी 5250 के आसपास ये बोर्ड ने अप्रूव किया।